लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देख लो, कल से भी 3/10 of a second slow हो तुम। तो कल से मुझे 3 बजे उठाकर भगाना। Shut up, Ron. Don't argue with me. I'll rap you. छोड़ ना रवि, क्यों डांटते रहते हो उसे? अरे इस टाइम से भी वो जीत जाएगा। सवाल सिर्फ जीतने का नहीं है आशीष भाई। I want him to break the inter-school record and he can do it. ठीक है रवि, लेकिन मेहनत ही नहीं करता गधा। Then punish me. Shut up. बहस मत करो। एक ही चीज आती है तुम्हें, बहस करना। कभी किसी की बात सुनी है तुमने? Disobedient boy. बैठो, बैठो। नाक में उंगली मत डालना। मुझे नहीं पीना। You have no choice. तुम्हें करना क्या होता है? सुबह नहीं उठना, दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लो पी लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। टेस्ट तो करो गधे, टेस्ट करो। और एक ग्लास पीऊंगा। फ्रांसिस। जी साहब। एक और ग्लास दूध लाओ। कैसी चल रही है ट्रेनिंग रोहन की? ट्रेनिंग तो करता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेता। लेसी है बहुत। बच्चा है। सिर्फ ट्रेनिंग के वक्त बच्चा है लेकिन बाकी सभी चीजों की समझ है उसको। रोहन, 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 इतनी देर से क्या कर रहे हो तुम अंदर? इडियट, कभी तो वक्त पर तैयार हुआ करो। देखो अंतरा जी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रोहन, रोहन, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वहां जाओ जल्दी। जल्दी करो। अरे देख कर। यही कह रहा था मैं। अच्छा है ना जाने ये लड़की कब स्लो ड्राइविंग करना सीखेगी। इसके लौटने तक मुझे तो चिंता लगी रहती। क्या हुआ? पंचर हो गया। अब क्या करें? मैं तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। अभी इसे यहीं पे छोड़ते हैं, शाम में आके ले जाऊंगी मैं। अरे बंद भी हो जा। क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रहे हो? पैर में मोच आई है क्या? तुम उठो सुबह 5 बजे और दौड़ो 1.5-2 घंटा, फिर तुम्हें पता चलेगा हिटर किसी की क्या हालत कर सकता है। मगर वो तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं ना। देखो अंतरा, अगर तुम्हें पापा के लिए इतनी हमदर्दी है तो हमारी दोस्ती खत्म। चल चल, नाटक तेरा रोज का। चल। आज रोहन के पापा ने रोहन को बहुत डांटा। क्यों? क्योंकि उसकी टाइमिंग 3/10 ऑफ अ सेकंड स्लो हो गए। तो तुम्हारे जीतने के चांस है। अगर उसकी टाइमिंग 1 सेकंड भी स्लो हुई तो भी वही जीतेगा। फिर उसके पापा ने उसको क्यों डांटा? क्योंकि वो एक शैतान है, पागल है। रोहन, देखो मम्मी, स्कूल में मेरे पापा के बारे में बात मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देता हूँ। ये रोहन हमेशा अपने पापा से बिगड़ा हुआ क्यों रहता है? मैं पूछ रही हूँ क्यों नहीं बिगड़ेगा वो अपने पापा से? माम, आपने भी तो देखा है किस तरह से वो बिहेव करते हैं रोहन के साथ। जब देखो चीखना, चिल्लाना, डांटना। घर है या मिलिट्री स्कूल, बर्दाश्त की भी हद होती है। छोटा है वो बेचारा मासूम, अपने पापा से सिर्फ प्यार चाहता है और मिलता क्या है? जबरदस्ती और गुलामी। माम, डोंट स्माइल, से समथिंग। चाय पियो। देखो अंतरा, अपने बच्चे को कैसा सबक मिलना चाहिए ये बात रवि अच्छी तरह से जानता है। लाड प्यार से बच्चे किस तरह से बिगड़ जाते हैं इसकी मिसाल तो अपने आस पड़ोस के बच्चों में है। और उससे भी बढ़कर एक बात तुम भूल रही हो, रोहन सिर्फ 1 साल का था जब उसकी माँ गुजर गई। तब से रवि ने अकेले उसे पाल पोस कर बड़ा किया, न दूसरी शादी की, न कभी अपनी ड्यूटीज निगलेक्ट की। उसने अपनी जिम्मेदारी बड़ी नेकी और ईमानदारी से निभाई है।
और इसी ईमानदारी की उम्मीद वो रोहन से करता है। उन्होंने अकेले ही रोहन को पाल पोस के बड़ा किया, ये बात सच है, और उनके दिल में रोहन के लिए प्यार भी होगा। लेकिन क्या उन्होंने रोहन को समझने की कोशिश की? मुझे तो लगता नहीं, है नहीं की, और शायद इसीलिए रोहन के दिल में उनके लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगी है। देखो बेटा, सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप जो भी करते हैं उनकी इच्छा के खिलाफ है, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें एहसास हो जाता है कि माँ बाप सिर्फ उनकी भलाई चाहते हैं। चाय ठंडी होने से पहले तुम चाय पी लो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये भी कोई खाना है? मतलब रोज रोज वही खाना, संडे को आलू, ट्यूसडे को गोभी, फिर वेनसडे को आलू, फिर थर्सडे को गोभी, तंग आ गया हूँ मैं। तुझे क्या लगता, तेरा बाप कोई लैंडलॉर्ड या करोड़पति है? चुपचाप खा ले। नहीं खाऊंगा मैं। छाप और लगाऊंगा अभी, खा ले। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे पीटो या मारो। तो फिर उठ, उठ, क्या हो तुम्हें, बात कहा, सो जा भूखा। रोहन, रोहन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, यहां देखो। चलो खाना खत्म कर लो, आ जाओ। मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे अकेला छोड़ दो। तो फिर मर, भूखा मर जा। बात ही नहीं सुनता वो, जो वो मुझसे चाहता है वो मैं उसे दे नहीं सकता, और जो मैं उससे चाहता हूं वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, कोई भी नहीं है जिसे मैं अपने मन की बात कर सकूं। अतिथि, कोई भी नहीं। अगर तुम कहीं हो तो उसे समझा दो कि मैं उसका दुश्मन नहीं, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। तुम सुन रही हो ना अतिथि? You are a cheat, mama. You are a cheat. आपने मुझे धोखा दिया, मुझे राक्षस के हाथ तो मैं अकेले छोड़कर चली गई ना। प्लीज मामा, मुझे अपने पास बुला लीजिए ना। अगर इतना नहीं हो सकता तो कम से कम पापा को तो ले जाइए, मैं अकेले रह लूंगा। मामा, गुड नाइट मामा। किधर है? तुझा मालकिनचा पार्सल आयला। मैडम, मैडम, क्या है मारिया? मैडम पार्सल। मैडम आपको ये अमेरिका से पार्सल है। थैंक यू। किधर है पार्सल? मैंने पापा से मंगाया था। किधर है रोहन? सकाळी सकाळी अभ्यास करता? यहाँ क्या देख रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपने जो वेट गेन सप्लीमेंट मंगाया था वो यही है ना? जी हाँ। कितने पैसे हुए? हाँ? नहीं नहीं, इसकी कीमत क्या है? मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं आपको पैसे कैसे दूंगा? अरे मैं इसके पैसे थोड़ी ना लूंगी आपसे। देखिए, फिर आप ये वापस ले जाइए। आपके पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं इसलिए मैंने आपसे मंगवाया था, वरना मैं बॉम्बे से मंगवाता तो पैसे तो देने ही पड़ते ना। प्लीज। ठीक है, 348 रुपए 50 पैसे। जी, मैं अभी आया। कहा था ना मैंने, रोहन बहुत पढ़ाई चल रही है। अच्छा तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि ताजमहल किसने बनाया? सब जानते हैं ताजमहल शिवाजी ने बनवाया था। रोहन, सब जानते हैं ताजमहल शिवाजी ने नहीं, शाहजहां ने बनाया। शाहजहां ने? लेकिन मेरा दोस्त बोलता है ताजमहल शिवाजी ने बनवाया था। उसकी बात मत सुनो, किताब में पढ़ो क्या लिखा है। लीजिए। पूरे हैं? घर जाके गिन लीजिएगा। जी। मुंह क्या देख रहे हो, चलो पढ़ाई करो। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। आज तेरा बर्थडे है? हाँ। ये नए कपड़े क्यों नहीं पहने? आई डोंट लाइक सेलिब्रेटिंग बर्थडे। हाँ फनी रोनस, आई लाइक सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। क्या जरूरत थी अमीर को मुझे विश करने की? किसी को पता भी नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। रोहन तुम भी ना बस एक ही बात पकड़ कर बैठ जाते हो, अब भूल जाओ। कैसे भूलू, मेरे सारे दोस्तों ने मुझे विश किया और मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था, ना ही चॉकलेट और ना ही मिठाई। मुझे बर्थडे से बहुत डर लगता है। मेरे सारे दोस्त बर्थडे की राह देखते रहते हैं और मैं जैसे ही बर्थडे की तारीख नजदीक आती है तो मैं डर के मारे रातों को सो नहीं पाता हूँ। केक कैंडल्स और नए कपड़ों की बात ही छोड़ो, पापा ने मुझे नए जूते भी नहीं दिलवाए। ये देखो, 2 साल से यही जूतों को सिलवा सिलवा कर पहन रहा हूँ। रोहन, तुम्हारे पापा की कोई मजबूरी हो सकती है। ऐसी कौन सी मजबूरी कि मेरा बर्थडे ही भूल गए? तुमसे तो आर्गुमेंट करना ही बेकार है, तो मत करो। रोहन 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 रोहन, ए रोहन, क्या है? हैप्पी बर्थडे बेटे। आपको मेरा बर्थडे याद है? ऑफ कोर्स बेटे, भला मैं तुम्हारे बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? सरप्राइज देना चाहता था तुम्हें। आओ चलो केक काटते, कम ऑन। हाँ। कम कम कम। आप लोगों को ये सब नहीं लाना चाहिए था। क्यों? मैं नहीं चाहता कि रोहन को ऐसी चीजों की आदत लग जाए जो मैं उसे खरीद के नहीं दे सकता। प्यार से लाई हुई चीज की कीमत नहीं लगाई जाती रवि जी। अंतरा ठीक कह रही है रवि। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जज्बाती नहीं। आज आप लोग ये सब लाए ठीक है, लेकिन आइंदा इतनी कीमती चीजें ना लाए तो ये अच्छा है। प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। ले जाइए ने, मुझे नहीं चाहिए। रोहन 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 सुन,
वी आर सॉरी रवि। कितने दिनों बाद मैंने रोहन के चेहरे पे मुस्कान देखी। एक पल में उसकी खुशियों पे पानी फेर दिया रवि ने। कितना इनसेंसिटिव आदमी है रवि। नहीं अंतरा, मुझे लगता है रवि ने जो किया ठीक किया। हाउ कैन यू से दैट मॉम? अपने खुद के बेटी की खुशी छीन लेना, और वो भी उसके बर्थडे के दिन। मुझे लगता है हमने वहां जाकर उन दोनों की खुशी छीन ली अंतरा। मतलब वो पल उनका था अंतरा, सिर्फ उन दोनों का। तुमने देखा नहीं जब हम वहां गए तो रोहन रवि को छोड़कर किस तरह से हमारे पास आया? उस वक्त रवि का चेहरा देखा तुमने? हमें कोई हक नहीं था वहां जाकर रवि के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का। गिफ्ट तो हम कल भी दे सकते थे, और क्या इतना कीमती केक लाने की जरूरत थी हमें? पता नहीं, मुझे लगता है जाने अनजाने में हमने उन दोनों से उनका पल छीन लिया। ओके आई एग्री, मगर ये भी सच है कि रवि एक बेरहम बाप है।